हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के ऐप पे। और चलिए बातचीत करते हुए अंग्रेजी सीखते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए बातचीत करना सीखे पे, और यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं दोस्तों। तो मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा हमारे ऐप के इस फीचर का, जहाँ पे आप बोलकर अंग्रेजी सीखते हो। तो क्लिक कीजिए Day 22, यानी कि बैंक से पैसे निकालने के विषय में, ये भी हम कर चुके हैं सॉरी। और जो है आज हम करेंगे Day 23, यानी कि अपने दोस्त से सहानुभूति कैसे व्यक्त करें, ये वाला टॉपिक। बाय द वे मैं आपको बता दूं, Day 22 तक की सारी वीडियोस आपको जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं Day 23, जहाँ पे हम अपने फ्रेंड को कहीं ना कहीं सिंपथाइज करेंगे, कुछ हो सकता है कि प्रॉब्लम हो गई हो उसके लाइफ में। तो चलिए बातचीत करेंगे, ओम और फ्रेंड मेल के बीच में बातचीत होंगी, और हिंदी में आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, आपको अंग्रेजी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना होगा। गलतियां करोगे तो सुधारने का भी मौका दिया जाता है इस ऐप में। तो चलिए फीचर्स को अनलॉक करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इन सभी आज के इस लेसन में। तो कंटिन्यू कीजिए, चलिए स्टार्ट। हेलो नितिन, आप किसी ने हेलो कहा है तो आप भी हेलो बोलिए इस पे क्लिक करते हुए। हेलो हेलो, कह रहे परेशान लग रहे हो, क्या बात है, क्या गलत हो गया तुम्हारे साथ? तो बोलिए कि भाई मेरी दादी का जयपुर में निधन हो गया। ओम ओम माई ग्रैंड मदर पास्ट अवे इन जयपुर। कंटिन्यू कीजिए, कॉइन्स मिलेंगे आपको। तो कॉइन्स भी मिल चुके हैं, और आपने फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा इसका कंप्लीट कर लिया इसीलिए कॉइन मिले थे, और इन कॉइन का आप यूज़ भी कर सकते हो बाद में। एनीवेज चलिए अब जो है नेक्स्ट, यहाँ पे इंग्लिश में बोलो 71 इस दिसंबर में, ठीक है? तो कह रहे हैं कि किस एज में, तो एज है ये 71। तो क्लिक कीजिए, बोलिए 71 दिस दिसंबर। 71 दिस दिसंबर। कह रहे हैं भाई बीमार वगैरह थी ये सब, है ना? वह पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती कराई गई थी, उनका कई जटिलताओं के साथ कठिन समय चल रहा था, ठीक है? तो शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, शी वॉज हैविंग वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज। She was having a hard time with many complications. Continue कीजिए, आगे बढ़िए दोस्तों। When is the funeral? कह रहे कि भाई अंतिम संस्कार कब है, funeral का मतलब यही होता है, तो बता दीजिए अब तक वह समाप्त हो गया होगा। That is over till now, I think. It must have been over by now. I know how you feel. Words can't comfort you when someone dear to you departs. कह रहे कि भाई मुझे पता है बहुत दुख हो रहा होगा तुम्हें। तो इस टाइप से ये देखिए हम यहाँ पे सिंपथाइज कर रहे हैं, और आप अगर कोई भी अटेम्प्ट ले रहे हो यहाँ पे बोल रहे हो, और मान लीजिए आपसे एरर हो रही, तो आप देख भी रहे हो कि साथ के साथ जो है आपको करेक्ट वाला पार्ट भी वहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है? हाँ सच, वह मेरे बहुत करीब थी। यस ट्रू, अच्छा चलिए यहाँ पे डिडंट कैच दैट कह रहे हैं, तो दोबारा बोलिए। यस ट्रू, शी वॉज वेरी क्लोज टू मी। Yes, true. She was very close to me. फिनिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारा ये जो है कन्वर्सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस टाइप से जो है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे ऐप के इस फीचर के थ्रू से, बोलकर प्रैक्टिस करके और अंग्रेजी सीख सकते हो। गलतियां करोगे, गलतियां आपको बताई जाती हैं, और आपने देख ही लिया कि किस टाइप से जो है हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि आप किसी और तरीके से किसी सेंटेंस को कह सकते थे, तो यू आर फ्री टू कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, वहाँ पे आप जाके प्लीज़ लिखिए कि आपका क्या और तरीका था इसे ट्रांसलेट करने का, या फिर किस तरीके से और जवाब आप देते किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन का। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी डाल सकते हो, ठीक है? बाय द वे यहाँ पे फिनिश कीजिए इसको, अगर आपको लगता है दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो प्रैक्टिस अगेन, अदरवाइज यू कैन गो टू द नेक्स्ट कन्वर्सेशन, टू द नेक्स्ट लेसन, राइट? सो हियर वी एंड दिस वीडियो, बट बिफोर आई एंड इट एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता दूँ
ये फीचर सिर्फ अनलिमिटेड अकाउंट वालों के लिए है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अनलिमिटेड अकाउंट हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद। तो इस फीचर का फ़ायदा उठाइए, देख ही लिया आपने किस टाइप से जो है बोलकर हम अंग्रेजी सीखते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप स्माइलिंग दोस्तों, थैंक यू।